सोलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेमेस्टर। अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर से ऑल प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो आज है 3 मार्च और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम ऐसे मल्टीवेगा स्टॉक के बारे में जो आपको करोड़पति का तो पता नहीं, पर हाँ आपको फ्यूचर में अच्छा खासा आइटम बना के दे सकता है। और आपको पता है मैं बहुत ही कम ऐसे पेनी स्टॉक होते हैं जिनको रिकमेंड करता हूँ, और ये स्टॉक में बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो उतना ही पैसा लगाइए जितना आप खोने को भी तैयार है, पर यहाँ से आपको अच्छा खासा आइटम बना के दे सकता है। आप रिस्क से इसके आपको आपने वो डायलॉग सुना होगा हर्षद मेहता का, तो आप इस स्टॉक की तरफ जा सकते हैं और यहाँ से आपको अच्छा खासा आइटम बना के दे सकता है। और मैं ऐसे स्टॉक को कभी भी रिकमेंड नहीं करता, पर इसमें एक अच्छा खासा मौका देखने को मिल रहा है, जिसलिए मैं आपको उसको रिकमेंड कर रहा हूँ। बेसिकली कंपनी का नाम है गैलेक्टिको कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड, और अभी ये 4.65 पे ट्रेड कर रहा है, और इसमें देखिए 2% तेजी देखने को मिल रही है। और आप हमें चैनल जाकर अभी देख सकते हैं, मैंने इस पर करीब 15 से 20 वीडियो बना चुका हूँ, और मैंने आपको हर वीडियो में यही कहा था स्टॉक को बाई मत करिए मत करिए मत करिए, पर यहाँ एक अच्छा खासा मौका देखने को मिल रहा है। अगर आप स्टॉक का चार्ट देखेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, साल भर में देखेंगे देख सकते हैं 60% स्टॉक गिरते हुए देखने को मिल रहा है। स्टॉक ट्रेड करता था 11.92 पे, अभी 4.68 पे आ चुका है। 5 ईयर के अंदर देखेंगे तो स्टॉक ने अच्छा खासा हाई बनाया था 80.70 का, तो वहां से एक अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है, तो यहाँ एक अच्छा खासा मौका बनते हुए देखने को मिल रहा है। पर अभी भी देखेंगे तो 5 साल में 300% का यहाँ रिटर्न देखने को मिल रहा है, तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि यहाँ से स्टॉक आपको गिरते हुए देखने को मिल सकता है। मैं सीधा बताता हूँ स्टॉक को बाई करना है या नहीं करना है, या फिर रिस्क कितना है मेरा। ऐसा नहीं कि स्टॉक में तेजी है तो मैं बोलूँ इसको बाई करो, चाहे बाई हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो, फिर स्टॉक में एलसी लगा तो बोलूँ उसको सेल कर दो चाहे वो सेल हो रहा हो ना हो। मैं सीधा बोलता हूँ, देखते हैं स्टॉक साइड में ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है यहाँ से स्टॉक आराम से आपको डबल होते हुए देखने को मिल सकता है, डबल ही नहीं यहाँ से 10 गुना 20 गुना भी होते हुए देखने को मिल सकता है। बस उतना ही लगाएगा, लाइक आपको 20,000 या 50,000 रुपये लगाना, तो आप इसमें वहाँ 2,000 या 3,000 रुपये लगाए। मैंने आपको जैसे बोल दिया थोड़ा सा अमाउंट लगाए और आपको ये अच्छा सा रिटर्न दे सकता है। थोड़ा इससे ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप बीसीजी की तरफ जा सकते हैं, उससे ज्यादा आप मतलब पैसा ज्यादा लगाना चाहते हैं कम रिस्क पे तो आप एसबीआई कार्ड की तरफ जा सकते हैं, जुबिलेंट फूड हो गया, हैप्पीएस्ट माइंड हो गया, एमटा टेक्नोलॉजी हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, उनकी तरफ जा सकते हैं। पर आपके पास पैसा कम है या फिर आप कम लगाना चाहते हैं रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इसकी तरफ आ सकते हैं आराम से, यहाँ से आपको ये डबल होते हुए देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर अंदर। फंडामेंटल देखिए तो उतने अच्छे नहीं है, स्टॉक भी 7.80 का है जो कि घिसा पिटा है बहुत ही, एक तरह से देखे तो स्टॉक अंडर वैल्यूड है। पर वहीं अगर आप इसका सेल्स देखेंगे 5.94 था जो कि फिलहाल 5.44 हो चुका है दिसंबर 2023 में, तो यहाँ सेल्स घटते हुए देखने को मिल रहा है जो कि बहुत ही खराब बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका देख सकते हैं 0.92 से 0.90 हो चुका है जो कि मुझे सही नहीं लग रहा है। पर वहीं अगर आप शोल्डर पैटर्न देखें तो ये भी खराब देखने को मिल रहा है, 71.10 से 42.29 हो चुका है, और पब्लिक की जो होल्डिंग थी 28.90 से अभी देखते हैं 57.70 हो चुका है। तो शोल्डर पैटर्न और उसके सेल्स दोनों ही खराब देखने को मिल रहे हैं, पर मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो आप स्टॉक की तरफ जा सकते हैं आराम से, ये आपको अच्छा रिटर्न आके दे सकता है। पर्सनली ये स्टॉक मेरे भी पोर्टफोलियो में एडेड है, इस स्टॉक को मैंने बाई कर लिया है, ₹4.43 के आसपास स्टॉक को मैंने बाइक कर रखा है। अगर आप इसको बाइक करना चाहते हैं अभी भी बाइक कर सकते हैं, पूरा पैसा एक बार मत लगेगा, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बाइक करते रहेगा, जैसे स्टॉक थोड़ा और गिरेगा तो आपकी बाइंग प्राइस कम से कम हो जाएगी और आराम से आपको शॉर्ट टर्म के अंदर 6 रुपए तक जाते हुए देखने को मिलता है। होल्ड करेंगे तो स्टॉक 20 से 25 रुपए 30 रुपए तक भी जाते हुए देखने को मिलता है, जैसे मैंने आपको अदवी कैपिटल 2 रुपए पे रिकमेंड करा था, वो 4 रुपए तक गया था, जी पावर 6 रुपए पे रिकमेंड करा था, आज देखते हैं 20 से 22 पे आ गया, एचएससीएल 40 पे रिकमेंड करा था, आज करीब वो 400 के आसपास आ गया, 370 पे ट्रेड कर रहा है। उस तरह वोडाफोन मैंने आपको 10 रुपए पे रिकमेंड करा था, आज करीब वो 20 रुपए के आसपास आ गया, यस बैंक को भी देखते हैं कहां से कहां आ गया, तो उसी तरह से ये स्टॉक आपको एक अच्छा रिटर्न आगे दे सकता है। तो अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इस स्टॉक की तरफ जा सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा ये स्टॉक एजुकेशन पर्पस के लिए है या फिर आप अपनी भी एनालाइज करिए, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ स्टॉक में देखो रिस्क है थोड़ा सा, पर हाँ आपको यहाँ एक अच्छा खासा मौका बन रहा है, रिटर्न भी मिल सकता है। अगर आप देखें आप इतने में रिस्क लेने से घबरा रहे, पर आप देखेंगे ना 5 साल में तो बहुत सारे ऐसे भी व्यूअर्स हैं जिन्होंने किसी वीडियो देखिए इसको 80 रुपये 70 रुपये में बाई कर लिया, और मैं यहाँ लगातार वीडियो बनाता इसको बाई नहीं करना है, अभी सलाह सर देखते कहाँ था, मैं उसको मना कर रहा था बाई नहीं करना है, पर फिर भी बहुत सारे व्यूअर्स इसको बाई कर रहे हैं। मंदी में भी बहुत सारे ऐसा सोच बाई करने लग गए कि वापस स्टॉक ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं जाता, वो गिर रहा है किस सीजन के भी गिरा है, पर अब वो अच्छा खासा गिर चुका है यहाँ पे। अब यहाँ से आपको अपवर्ड मूव देखने को मिल सकता है और स्टॉक आराम से आपको 20-22 रुपये 30 रुपये 40 रुपये तक जाते हुए देखने को मिल सकता है, आपसे आपके पैसे को 5 से 10 गुना कर देगा। सो आप इसको एक बार आप भी रिसर्च कर लीजिएगा, आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।